हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आई होप यू आर डूइंग गुड यू आर मोस्ट वेलकम ऑन डब्ल्यू एकेडमी दिस इज कंप्यूटर लेक्चर सीरीज इन विच वी आर डूइंग टॉप 1500 हंड्रड वन लाइनर्स मोस्ट इंपार्टेंट पॉइंट्स ऑफ कंप्यूटर्स इसमें इससे हम पूरा कंप्यूटर्स रिवाइज करेंगे और एंड थैंक यू सो मच फॉर यूर रेस्पॉन्स सो लेट्स गेट स्टार्ट इस अभी तक हमने बहुत सारे जो है पॉइंट्स रिवाइज किए तो आज का हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से फॉर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट यू यूज न्यू कमांड एट फाइल मीनू फाइल मीनू पे आपको पता है ऐसी जो विंडो होती है यहाँ पे आपको जो है मीनू uh, होता है ऊपर आप यहाँ पे uh, जो है जब आप क्लिक करते हो तो आपको वो एक ऑप्शन आता है न्यू का न्यू का ओपन का सेव का सेव एज का तो आप जब न्यू दबाएंगे तो वह, वहाँ पे क्या आ जाएगा आप न्यू जो है आप नया डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं ठीक है इनपुट डिवाइस इज इक्विपमेंट यूज टू कैप्चर इन्फॉर्मेशन एंड कमांड्स इनपुट डिवाइस ऑबियसली वही इक्विपमेंट होता है जहाँ से हम एक तो कैप्चर uh, uh, करते हैं डेटा हो डेटा uh, या कमांड्स uh, जो भी uh, आपको कमांड मिलती है वो वो इनपुट डिवाइस से ही मिलती है फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी चीज़ पर डबल क्लिक करेंगे किसी आइकन पर वो ओपन हो जाएगा तो आपने कमांड किससे दी माउस से दी और माउस के इनपुट इक्विपमेंट है फॉर एग्जाम्पल आपको कोई डॉक्यूमेंट ओपन करके और आप uh, कुछ चेंजेस ला रहे हैं और आपने जो है कीबोर्ड से क्या किया कंट्रोल एस किया उसे क्या हो जाएगा वो से हो गया तो ये कमांड भी आपने किससे दी कीबोर्ड्स और कीबोर्ड क्या इनपुट डिवाइस है है ना ओके अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंटेन स्पेसिफिक रूल्स एंड वर्ड्स दैट एक्सप्रेस लॉजिकल स्टेप्स ऑफ एन एल्गोरिदम जो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है ना मैंने आपको बोला ऑब्वियसली उसमें एलगोरिदम्स होती है ना उस एलगोरिदम के बेसिस पे कंप्यूटर काम करता है और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक स्पेसिफिक सिंटेक्स होता है अपना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का क्या होता है सिंटेक्स uh, हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की स्पेसिफिक रूल्स होते हैं वर्ड्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंगली उसको लिखना पड़ता है और जिसके अकॉर्डिंगली उसको चलाना पड़ता है डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है हमारे पास अगर आप मशीन uh, लैंग्वेज की बात करेंगे असेंबली लैंग्वेज की बात करेंगे ठीक है uh, या हाई लेवल लैंग्वेज की बात करेंगे ठीक ओके okay. वन एडवांटेज ऑफ डायल्प इंटरनेट एक्सेस इज इट इज इट यूटिलाइज एक्जस्टिंग टेलीफोन सिक्योरिटी जो डायलैप इंटरनेट एक्सेस होता है डायलप uh, uh, के थ्रू हम इंटरनेट एक्सेस uh, लेते हैं उसकी एक एडवांटेज ये भी है कि जो ऑलरेडी टेलीफोन सिक्योरिटी होती है हमारे पास टेलीफोन लाइन टेलीफोन केबल्स और टेलीफोन सिक्योरिटी होती है एक्जस्टिंग यह वही यूज़ करता है प्रोटेक्टिंग डेटा बाई कॉपिंग इट फ्राम द ऑरिजिनल सोर्स इज बैकअप देखो हम बैकअप क्या होता है हम बोलते ना क्या क्या आपने इसका बैकअप लिया uh, तो uh, बैकअप उठाना मतलब होता है कि जब आप वन यू प्रोटेक्ट डेटा मतलब बाई कापिंग आप कॉपी करते हो डेटा को जैसे ऑरिजनली कहीं भी आपके पास है एक सिस्टम में या फ़ोन में लेकिन मैं आ, आ, उसको आ, उसको कॉपी करके रखूँगी चाहे ड्राइव में या कहीं और पेन ड्राइव में तो वो हम प्रोटेक्ट करते हैं उसको सो देते कि अगर इसको कुछ हो जाएगा सिस्टम क्रैश हो जाएगा कुछ फॉर्मेट करते हैं हम तो ये हमारे पास फिर भी रहेगा तो उसको हम क्या बोलते हैं उस, उसको हम बैकअप बोलते हैं राइट ओके मूइंग टू मूंग फॉर्ड नेटवर्क कम्पोनेंट्स आर नेटवर्क कम्पोनेट्स आर कनेक्टेड टू द सेम केबल इन द स्टार टोपोलॉजी जो जितने भी नेटवर्क में कम्पोनेट्स होते हैं उनको जो है वो सेम uh, केबल को कनेक्ट होते हैं क्योंकि जो नेटवर्क होते हैं ना नेटवर्क में डिफरेंट आपने किस तरह से कम्प्यूटर्स को जोड़ा है आपस में uh, उस डिपेंड करेगा कि टोपोलॉजी हम उसको बोलते हैं टोपोलॉजी आप कैसे आपने कैसे जोड़ा है किस तरीके से जोड़ा है आप उसमें कंप्यूटर्स को तो उसमें उस टोपोलॉजी में, में से एक टोपोलॉजी है स्टार टोपोलॉजी ठीक है तो बोला जाता है कि जो स्टार टोपोलॉजी है उसमें कंप्यूटर्स जो होते हैं ना वो सेम केबल के साथ जुड़े हुए होते हैं टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू इच अदर फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन फॉर माई नेटवर्क एक नेटवर्क कैसे बनता है दो या दो से ज़्यादा जो कंप्यूटर्स हैं ना जब वो आपस में कनेक्ट होते हैं किस लिए इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए ओबियसली एक तो इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है बहुत ईजीली और दूसरा कि डिफरेंट पेरीफ्रल डिज जो है ना वो कामन रिसोर्स शेयर किया जाता है जैसे uh, अगर हमारे पास लैंड है ठीक है या कोई भी नेटवर्क है कंप्यूटर्स ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स जुड़े हुए आपस में तो उन सारे कंप्यूटर्स के लिए हम एक सिकंडर एक प्रिंटर रख सकते हैं ज़रूरी नहीं कि हर एक कंप्यूटर का हम अलग अलग प्रिंटर रखेंगे तो उससे रिसोर्स एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स भी होता है और उसे क्या हो जाता है उसे हम इंफॉमेसन भी शेयर कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं हमारे थर्ड फ्लोर पर एक कंप्यूटर है और ग्राउंड फ्लोर पर एक कंप्यूटर है तो मुझे वहाँ ग्राउंड फ्लोर के इसमें अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है या जाने की जरूरत नहीं है फाइल लेके तो मैं यहाँ से जब एक ही एक ही नेटवर्क में कनेक्टेड होते हैं तो सारे कंप्यूटर्स पर हम वो फाइल्स अवेलेबल करा सकते हैं ठीक है और डेटा ट्रांसफर बहुत जल्दी हो करा सकते हैं अ कंप्यूटर चेक द डेटा बेस ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड्स फॉर अ मैच बिफोर ग्रांटिंग एक्सेस अगर कंप्यूटर को एक्सेस ग्रांट करना होता है ठीक है तो वो क्या करता है फॉर एग्जाम्पल जब भी आप किसी भी चीज में अगर आपको एक्सेस ग्रांट करना होता है अगर हम कंप्यूटर की बात करेंगे यूजर नेम तो ऑलरेडी उसके पास होता है अगर आप दोगे यूजर नेम वो नीचे क्या होता है पासवर्ड देना होता है फिर करना होता है कर ये लॉग इन करना होता है कनेक्ट करना होता है तो वो क्या करता है उसके डेटा बेस में ऑलरेडी होता है यूज़र नेम भी और पासवर्ड भी और अगर उसको यूज़र नेम के साथ पासवर्ड मैच हो गया तो वो आपको ग्रांट करेगा एक्सेस ठीक है और अगर ये नहीं होगा तो वो दिखाएगा इनवैलिड पासवर्ड कंप्यूटर्स डेट आर पोर्टेबल एंड कन्वीनियंट फॉर यूजर्स हु ट्रेवल आर नो लैपटॉप्स लैपटॉप्स क्या होते हैं लैपटॉप्स भी कंप्यूटर्स ही होते हैं लेकिन वो पोर्टेबल होते हैं पोर्टेबल मतलब जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह ले सकते हैं ठीक है ठीके? और वो कन्वीनियंट होते हैं आप आराम से ले सकते हैं क्योंकि उसको उसका बैटरी बैकअप है उसको नहीं हमेशा कनेक्टेड होना चाहिए पावर सप्लाई उसका जो है उसका बैटरी होता है लगा के आप देखो पीछे साइड से लैपटॉप की बैटरी होती है और बैटरी बैकअप भी हो, उसका होता है कुछ घंटे आप चला सकते हो विदाउट कनेक्टिंग इट टू द इलेक्ट्रिसिटी राइट right? तो उसको हम उस उस कंप्यूटर को हम लैपटॉप बोलते हैं जो पोर्टेबल होता है ठीक है स्पैम क्या होता है स्पैम एक टर्म होती है फॉर अनसोलिसटेड ई मेल जो इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है उसमें एक फोल्डर होता है उसमें आपका इनबॉक्स होगा आउटबॉक्स होगा स्पैम होगा ठीक है और सेंट आइटम्स होंगे तो स्पैम एक फोल्डर है जिसमें अनवांटेड ईमेल्स आते हैं जो आप चाहते नहीं है आपको बल्क में ईमेल्स आ जाएगा और स्पैम जो होता है यूजुअली उसमें क्या हो सकता है फिशिंग लिंक्स भी हो सकती है तो बिल्कुल ध्यान रखना होता है इंसान को यूटिलिटी सॉफ्टवेयर टाइप ऑफ प्रोग्राम कंट्रोल्स द वेरियस कम्पोनेंट पार्ट एंड अलाउज द यूजर टू इंटरक्ट विद द कंप्यूटर जो ऐसे कोई सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स होते हैं जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर टाइप होते हैं वो बहुत हेल्प करते हैं अपार्ट फ्राम द अप्रटिंग सिस्टम वो बहुत हेल्प करते हैं कि वो कंट्रोल करते हैं बहुत सारे कंप्यूटर पार्ट्स को और यूजर्स को भी हेल्प करते हैं टू इंटरेक्ट विद द कंप्यूटर कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने में देखो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की यहाँ पे बात की गई है जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डॉक्यूमेंट है ना उसको हम क्या बोलते हैं स्प्रेड शीट है ना उसको हम बोलते हैं स्प्रेड शीट ठीक है sheet, ये ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं अच्छा ईच सेल जो हर एक सेल होती है ना उस स्प्रेड शीट में या माइक्रोसॉफ़्ट एक्सेल ऑफिस एक्सेल डॉक्यूमेंट में उसको हम बोलते हैं उसको हम कैसे रेफर करते हैं सेल एड्रेस से उस जो माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेड शीट होता है ना उनकी जो सेल्स होती है ना उनका एक अलग से अपना एड्रेस होता है क्या होता है एड्रेस होता है जैसे यहाँ पे ए बी सी और यहाँ से होगा वन टू थ्री फोर फाइव ठीक है नीचे तक तो ये उनका एड्रेस बनता है और वो एड्रेस कैसे बनता है सेल uh, का रो क्या है और सेल का कॉलम क्या है ऐसे स्प्रेडशीट शीट है ठीक है ऐसे स्प्रेडशीट शीट है सेल का कॉलम क्या है और रो क्या है ये एड्रेस बनेगा फॉर एग्जाम्पल ये ए है ये वन है वन ए ठीक है ये सेल का एड्रेस बनेगा रो और कॉलम क्या है तो इसे एग्जैक्टली exactly उस सेल पे पहुंच सकते हैं एट बाइनरी एट डिजिट बाइनरी नंबर इज कॉल्ड बाइट क्योंकि एक बाइट किसके बराबर होता है एक बाइट uh, जो है एक सेकेंड एक बाइट जो है वो एट बिट्स के बराबर होगा है ना एक बाइट ठीक चार बिट्स होते हैं एक निबल के बराबर मैंने आपको बार बार बता दिया एक निबल के बराबर दैट मीन्स एक जो निबल होता है ना वो हाफ बाइट के बराबर होता है राइट right? ओके okay. ऑफिस लैंड डेट आर स्प्रेड जियोग्राफिकली अपार्ट देखो एक लैंड होता है ऑफिस का यहाँ पे दूसरा लैंड होगा किसी और सिटी में तीसरा लैन होगा किसी और तहसील में ठीक है ये ये लैंड्स भी क्या होते हैं लोकल एरिया है नेटवर्क ये भी क्या होते हैं कंप्यूटर नेटवर्क ही होते हैं ना ये भी नेटवर्कस होते हैं यहाँ पे हमने पांच कंप्यूटर्स को जोड़ा है एक ऑफिस बिल्डिंग में यहाँ पे हमने दस कंप्यूटर्स को जोड़ा है एक ऑफिस बिल्डिंग में यहाँ पे आपने दूसरे जगह पे पंद्रह ऑफिस कंप्यूटर्स को जोड़ा है तो ये डिफरेंट डिफरेंट लैंड्स है लोकल एरिया नेटवर्क अब इनको भी आपस में जोड़ना है क्योंकि हम सेम ऑफिस के हैं सेम बिजनेस यूनिट के हैं इनको भी यही दूर है जियोग्राफिकली डिफरेंट डिफरेंट जगहों पर है लेकिन इनको भी हम जोड़ सकते हैं और इनको कैसे जो, जोड़ा जाता है इनको कनेक्ट किया जाता है यूजिंग कॉरपोरेट वैन वाइड एरिया नेटवर्क से वाइड एरिया नेटवर्क से इनको जोड़ा जाता है कॉरपोरेट वैन वैन को यूज करके ठीक है स्टोरेज इज प्रोसेस ऑफ कॉपिंग सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स फ्राम सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया टू द हार्ड डिस्क तो ऑब्वियसली स्टोरेज जब भी हम कुछ करते हैं स्टोर करने के लिए सेव रखने के लिए ठीक है ये प्रोसेस होती है जब हम सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स को कॉपी करते हैं सेकेंडरी स्टोरेज से फिर हार्ड डिस्क में रखते हैं ठीक है तो हम कॉपी करके रखते हैं तो वो एज अ स्टोर रखते हैं उनको जो वेब पेज होता है ना मैंने आपको बार बार बोला जो कोड होता है फॉर वेब पेज इट इज़ रिटन इन यूजिंग हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एच टी एम एल हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो है एच डी एम एल कोड यू लैंग्वेज यूज़ करके हम कोड लिखते हैं किसके लिए वेब पेज के लिए वेब पेज क्या होता है ये एक पे, पेज होता है वेबसाइट का है ना वेबसाइट के बहुत सारे पेजेस होते हैं वेबसाइट जो जो हमें दिखता है ना उसको हम क्या बोलते हैं उसको हम बोलते हैं होम पेज ठीक है उस पर जो भी इमेज होती है आ, को भी कोई भी जो टेक्स्ट होता है कोई भी लिंक होता है वो सारे उस पर हम क्लिक कर सकते हैं और जो ही हम क्लिक कर सकते हैं ना होम पेज पे जिस भी चीज़ पे हम क्लिक करेंगे वो हमें अलग एक वेब पेज पे ले जाएगी तो ये सारे जो इनका कोड होता है ना वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से लिखा हुआ होता है

प्रॉपरली और प्रोवाइड एनिमेशन नोन एज flash तो इसमें क्या uh, ये ensure करते हैं कि जो, जो जो भी form इसके लिए चाहिए वो properly आपने fill किया है या आपने animation properly दी है इसको हम flash भी बोलते हैं क्योंकि देखो जो website होती है ना वे, या web page होता है इसमें आप आजकल देखो audio भी आप रख सकते हो इसमें video भी आप रख सकते हो कोई भी animation रख सकते हो ठीक है और इसको बैक बैक एंड पे तो कोड होता है लेकिन हमें फ्रंट एंड पे क्या दिखता है दिखता है वो हमें नॉर्मल एक इंग्लिश लैंग्वेज में चीज़ें दिखती हैं और इमेजेस दिखती हैं इवन इमेजेस भी क्लिकेबल होती है आपको डिफरेंट एम एनिमेशन आएंगे वीडियोज़ आएँगे वो सारे कुछ क्लिकेबल होते हैं इन रिलेशनल डेटा बेस टेबल इज डेटा स्ट्रक्चर दैट ऑर्गेनाइज द इनफॉर्मेशन अबाउट अ सिंगल टॉपिक इन रोज एंड कॉलम्स ऑब्वियसली मैंने आपको पढ़ा है डेटा मैनेजमेंट सिस्टम डी बी डी सॉरी डी बी एम एस डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम टेबल्स इसमें क्या होता है बहुत सारे uh, जो टेबल्स होते हैं ना वो उसमें डेटा हम रखते हैं जैसे स्प्रेड शीट होता है वो हम यूज़ करते हैं जब छोटी ऑर्गेनाइजेशन होती है जब हमारे पास कम डेटा होता है स्टोर करने के लिए लेकिन जब हमारे पास बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती है स्टोर करने के लिए डेटा ओबियसली बहुत बड़ी ई कॉमर्स कंपनी होगी बहुत बड़ा एक इंडस्ट्रियल यूनिट होगा तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा डेटा होता है तो उसके लिए हमें स्प्रेड शीट से काम नहीं चलेगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सल से काम नहीं चलेगा उसके टाइम uh, पर हमें डेटा मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करना पड़ता है डी uh, और इवन आर डी हम करते हैं रिलेशनल डेटाबेस बेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस ठीक है ए, आ, उसमें क्या होता उसमें नहीं है उसमें स्प्रेड नहीं होती उसमें डेटाबेस होता है बहुत बड़ी डेटाबेस वो किसकी बनी होती है डिफरेंट टेबल्स की बनी होती है लेकिन ये टेबल्स जो होते हैं वो आपस में लिंक करके होते हैं रिलेटेड रिलेटेड होते हैं तो रिलेशनल डेटाबेस हम उसको बोलते हैं क्योंकि टेबल्स आपस में लिंक करके होती हैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक फॉर एग्जाम्पल एक, एक बड़ा इंस्टीट्यूशन है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं तो उनका एक आईडी हम रखते हैं जो हर एक टेबल में होगा जो ही मैं राकेश नाम सर्च करूँगी या मैं जो है फॉर एग्ज़ाम्पल जो है सुमैया नाम सर्च करूंगी तो सुमैया का एक पर्टिकुलर आईडी होगा ना हर एक टेबल में जब ही आईडी डी में दूंगी इसका आईडिया नाम आईडी दूंगी नाम के साथ या उसको हम प्राइमरी की भी बोलते हैं तो हर एक टेबल में से इसका डेटा आएगा और पूरा बायो डेटा आएगा आ, देखो कलर वाले टेबल से इसका क्या कलर है हाइट वाले टेबल से उस मार्क्स वाले टेबल से एक्स्ट्रा करिकुलर वाले टेबल से अटेंडेंस वाले टेबल से तो सारे टेबल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं और ये जो टेबल होती है ना इस टेबल में ये सा डाटा स्ट्रक्चर हम ट्रीट करते हैं इसमें ऑर्गेनाइज होता है इन्फॉर्मेशन आ, आ, मतलब हर एक टेबल में एक सिंगल टॉपिक पे इंफॉर्मेशन होगा ऑर्गेनाइज लेकिन इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स राइट ओके okay. द फर्स्ट कंप्यूटर्स आई प्रोग्राम आर यूजिंग असम्बली लैंगवेज ओबियसली पहले लेकिन पहले तो मशीन लैंग्वेज के थ्रू हमने याद रखना पहले हमने मशीन लैंग्वेज के थ्रू पहले पहले कंप्यूटर्स को प्रोग्राम किया उसके बाद असम्बली लैंग्वेज के थ्रू और उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रू एच एल हाई लेवल लैंग्वेज के थ्रो मशीन लेवल लैंग्वेज जो है वो कंप्यूटर समझता है इसके लिए आपको ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं है लेकिन असम्बली लैंग्वेज जो है इसमें इन्यूमानिक्स होती है तो इसको आपको कन्वर्ट करना पड़ता है ऑब्जेक्ट कोड में या उसको हम मशीन लेवल लैंग्वेज भी बोलते हैं किसको असेंबली लैंग्वेज को तो उसके लिए हमारे पास असेंबलर होता है जो कि कन्वर्ट करता है जो कि ट्रांसलेट करता है असेंबली लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में या ऑब्जेक्ट कोड में क्यों क्योंकि जो कंप्यूटर है वो सिर्फ मशीन लैंग्वेज समझेगा वो सिर्फ ऑब्जेक्ट कोड समझेगा तो असेंबली लैंग्वेज जो है इसको हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है वो कौन करता है असेंबलर करता है और दूसरा है हाई लेवल लैंग्वेज को भी हमें ट्रांसलेट करना पड़ता है किसमें ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन लेवल लैंग्वेज में और वो कौन करता है वो कंपाइलर करता है ठीक है कंपाइलर करता है ट्रांसलेट ओके okay, इसके बाद एक और भी मैंने आपको पढ़ाया था इंटरप्रिटर इंटरप्रिटर और कंपाइलर में क्या फर्क है इंटरप्रिटर भी ट्रांसलेट कर, uh, करता है हाई लेवल लैंग्वेज को कोई भी डिफरेंट लाइक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को किस में ऑब्जेक्ट कोड में या मशीन लैंग्वेज में लेकिन इंटरप्रेटर और कंपाइलर में ये फ़र्क है इंटरप्रेटर एट अ टाइम एक स्टेटमेंट को कन्वर्ट करता है फिर आके दूसरे स्टेटमेंट को कन्वर्ट करता है ट्रांसलेट करता है लेकिन जो कंपाइलर होता है ना वो पूरे प्रोग्राम को एक साथ रीड करता है फिर कंपाइल करता है ठीक है शाबाश तो जो पहले प्रोग्रामर्स होते कंप्यूटर्स ना वो उनको प्रोग्राम किया गया है मशीन लेवल लैंग्वेज से उसके बाद आई असेंबली लैंग्वेज उसके बाद हाई लेवल लैंग्वेज ठीक है वेन पॉइंटर इज़ पोजिशनड ऑन अ हाइपर लिंक इट शेपड लाइक अ हैंड देखो पॉइंटर होता है ऐसे है ना या ऐसे भी होता है कर्सर हम उसको बोलते हैं पॉइंटर भी होता है लेकिन जब एक कोई ऐसी हमारे पास हाइपर लिंक होती है जिसपे हम क्लिक करेंगे और वो हमें किसी और जगह लेती है जो हाइपर लिंक पर जो ही हम लेते हैं ना ऐसे बस रखते हैं कर्सर वहाँ पे हाइपर लिंक पर वो बन जाता है ऐसे 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 हाथ जैसा आपने देखा सॉरी मैं पूरा नहीं बना पाई परफेक्ट वैसा लेकिन वो हैंड शेप में आ जाता है ठीक है बूटिंग प्रोसेस चेक उस टू एंश्योर कंपोनेंट्स ऑफ द कंप्यूटर और ऑपरेटिंग एंड कनेक्टेड प्रॉपरली जैसे बूटिंग क्यों हम करते हैं जैसे ऑपरेटिंग सबसे पहले जब हम ऑन करते हैं ना कंप्यूटर को तो ऑपरेटिंग सिस्टम पहले लोड होता है तो बूटिंग एक ऐसी प्रोसेस वो करती है वो करता है चेक कि जो कंप्यूटर के साथ डिफरेंट कम्पोनेंट जुड़े हुए हैं केबल्स से क्या वो इसके साथ काम uh, सिग्नल आ रही है उनमें क्या वो प्रॉपरली कनेक्टेड है कि नहीं है ठीक है

स्पेशल इफेक्ट यूज टू इंट्रोड्यूस स्लाइड्स इन अ प्रेजेंटेशन आर कॉल्ड एनिमेशन जब हम कोई स्पेशल इफेक्ट डालते हैं ना इवन पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में कहीं पे भी जिससे स्पेशल इफेक्ट मिलता है फॉर एग्जांपल वो चीजें घूम रही होती हैं डिफरेंट कलर्स में आती हैं उसको हम एनिमेशन बोलते हैं ठीक है स्पेशल इफेक्ट से है, वो बनता है कंप्यूटर्स एंड रिसीव डेटा इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल्स ऑब्वियसली कंप्यूटर जो है वो डेटा सेंड भी करती हैं और रिसीव भी करती हैं रिसीव करती हैं इन द फॉर्म ऑफ़ इनपुट सेंड करती है इन द फॉर्म ऑफ आउटपुट तो वो इन इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल सिग्नल्स ये सारा कुछ करती हैं ठीक है मोस्ट वर्ल्ड वाइड वेब पेजेस कंटेन एच टी एम एल कमांड्स इन द लैंग्वेज ओबियसली जो वर्ल्ड वाइड जो वेब पेज होती है ना वो एच टी हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज से लिखी जाती हैं ठीक है तो इससे आपको अंदाज़ा हुआ होगा जितनी हमने तकरीबन एक एक जो पॉइंट है ना पांच पांच छः छः बार हमने रिपीट किया इस सीरीज़ में इनशाला इसे आपका पूरा कंप्यूटर्स याद ही रहेगा ठीक है थीके? जब आप कल को एम देखोगे ना तो आपको वो डिफिकल्ट नहीं लगेंगे क्योंकि मैं आपको इस स्टोरी की तरह आप सुना रही हूँ आइकनस आर जियोग्राफिक ऑब्जेक्ट्स यूज टू रिप्रेजेंट कॉमनली यूज एप्लीकेशन क्योंकि देखो जो हमारा कंप्यूटर होता है कंप्यूटर का डेक्टॉप जो होता है ना हमारा जैसे मोनीटर पर जो हमें दिखता है पहले ही पेज पर कंप्यूटर पर पहले ही तो उसमें ऐसे आइकन होता है कुछ भी माई कंप्यूटर होता है ये होम होता है कोई भी फाइल हम सेव करके रखते हैं डेस्क टॉप पे ये जो आइकन होता है ना जो हमें निशान होता है जिसे हमें दिखता है जैसे माई कंप्यूटर यहां पे दिखेगा इसको इस आइकन को क्या बोलते हैं हम ये जो ज्योग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको हम आइकन्स बोलते हैं बेसिकली जो हमें ज़्यादा कॉमनली यूज़ करना होता है ना उसको हम रखते हैं डेस्कटॉप पे ही सो दैट इजीली हमें फिर डॉक्यूमेंट्स में माय डॉक्यूमेंट्स में या कहीं और पे डाउनलोड्स में जाके इसको ढूंढना ना पड़े यहाँ पे ही कोई फोटोग्राफ भी हम रख सकते हैं लेकिन फिर वो ओपन नहीं रहेगा उसका एक जियोग्राफिकल इंडिकेशन रहेगी उसका एक ज्योग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन रहेगी उसको उस पर हम डबल क्लिक करते हैं वो ओपन हो जाता है जब हम उस पर डबल क्लिक करते हैं वो ओपन हो जाता है ठीक है ओपन हो जाता है तो उन जियोग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स को हम आइकन बोलते हैं जो हमें डेस्कटॉप पे होते हैं इवन जब आप लैपटॉप भी ऑन करोगे तो आपको पहले ही स्क्रीन पे कुछ चीजें दिखेंगी उनको हम बोलते हैं जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ना उसको ना ही किसी ने ओन किया है ना ही वो लाइसेंड है बाय बाय कंपनी इन इन एनी विंडो द दाइज बटन द मिनिमाइज बटन द क्लोज बटन ऑन द टाइटल बार टाइटल बार में अगर आप अभी भी यहाँ पे भी देखोगे अगर आपको ऊपर दिख रहा होगा ये ये यहाँ पे रेड कलर में यहाँ पे राइट साइड कॉर्नर पे आपको दिख रहा है एक क्रॉस दिख रहा होगा है ना एक ऐसे ही यहाँ पर होता है हर एक जगह पर ये ये वाला एक सेकंड मैं दिखाऊंगी आपको देखो टाइटल बार पे क्या क्या सिंबल्स होते हैं एक होता है एक छोटा सा ऐसे क्रॉस ऐसे डब्बे में फिर होता है ऐसे वाला ये फिर होता है ये ये जो ये वाला माइनस वाला जैसा साइन है डैश इसको हम बोलते हैं मिनिमाइज ये जो ये होता इसको हम बोलते हैं मैग्जीमाइज और ये जो होता है इसको हम क्लोज बोलते हैं जब हम ये दबाएंगे ना ये वाला ये तो इससे क्या हो जाएगा अगर हम ये क्लिक करेंगे इससे क्लोज हो जाएगा ये डॉक्यूमेंट अगर हम ये कर ये करेंगे तो इससे डॉक्यूमेंट ऑन तो रहेगा लेकिन ये छुप जाएगा नीचे आ जाएगा उसको मिनिमाइज बोलते हैं अगर हमने ये दबाया ना वापस तो ये वापस अपनी इसमें ओपन हो जाएगा ऑन तो ये था ये ओपन हो जाएगा इसको हम बोलते हैं मैगजमाइज तो ये टाइटल बार पे होती हैं ये चीज़ें ठीक है डायल-अप सर्विस इज द स्लोएस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस जो डायल-अप सर्विस होती है इंटरनेट वाली चैप्टर में हमने डायल-अप सर्विस पढ़ा था ये स्लोस्ट इंटरनेट कनेक्शन सर्विस मानी जाती है अच्छा एवरी कंपोनेंट ऑफ योर कंप्यूटर इज एदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ऑब्वियसली जो भी कंपोनेट uh, है ना आपके कंप्यूटर की या तो वो हार्डवेयर हो सकते हैं या सॉफ्टवेयर कैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करेंगे कोई मैं इसकी एग्ज़ाम्पल करूँगी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की एग्ज़ाम्पल दूंगी वो क्या है क्या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को आप टच कर सकते हैं नहीं उसको हम देख सकते हैं उसको हम चला सकते हैं टच नहीं कर सकते फील नहीं कर सकते तो ये क्या है ये सॉफ्टवेयर है ठीक है अच्छा अगर हम मोनीटर की बात करेंगे क्या हम मोनीटर को टच कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं वो हार्डवेयर है की की बात करेंगे की बोर्ड क्या हार्डवेयर है स्कैनर क्या है हार्डवेयर है जॉय क्या है हार्डवेयर है प्रिंटर क्या है हार्डवेयर है प्लॉटर क्या है हार्डवेयर है ठीक है Uh, अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है है ना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है तो या तो आपके कंप्यूटर में जो भी चीजें हैं ना इंटीग्रल पार्ट जितने भी पार्ट्स है आपके कंप्यूटर के या तो वो सॉफ्टवेयर है या तो हार्डवेयर है यही दो हो सकते हैं इन दो के बगैर और कुछ नहीं ठीक है

होती है ना जब वैलिडेशन आप सक्सेस कर पाते हो जैसे ये होगा कि तो तो क्या होता उसको access मिलता है 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 उसको मिलता हुआ और अगर अगर नहीं आपका आप, आपका 18 years से बिलो आता है, तो आपका आप से आता एक डायलॉग बॉक्स आएगा और बोलेगा कि सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस प्रोसेस ठीक है तो ऐसे डेटा सिस्टम में एंटर करने से पहले चेक किया जाता है क्या ये वैलिड है कि नहीं क्या इसको बिफोर द सिस्टम तो इसको हम बोलते हैं डेटा वैलिडेशन ठीक है इसके बाद अ कंपाइलर ट्रांसलेटर्स हायर लेवल हायर लेवल प्रोग्राम्स इंटू मशीन लेवल प्रोग्राम विच इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड ऑब्वियसली मशीन लेवल लैंग्वेज को हम और क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट कोड जब हम हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम्स लिखते हैं ना उनको हम पहले ट्रांसलेट करते हैं किस में मशीन लेवल लैंग्वेज में या ऑब्जेक्ट कोड में लेकिन किससे करते हैं कंपाइलर से और कंपाइलर एक साथ पूरे प्रोग्राम uh, को रीड करता है फिर उसको ट्रांसलेट करता है तो उसको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज और उसको हम करते हैं ट्रांसलेट इन मशीन लेवल लैंग्वेज या ऑब्जेक्ट कोड क्यों क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ मशीन लेवल लैंग्वेज समझता है जीरोज और वनस के फार्मे लैंग्वेज समझता है, उसको ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं तो हाई लेवल लैंग्वेज को कंपाइलर करता है ट्रांसलेट और वैसे ही ट्रांसलेट ठीक है तो आई थिंक इतना बेस्ट एक वे गुड के